फेसबुक राइजिंग क्रिएटर किसको मिलता है, कौन सा बैच मिलता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, फेसबुक पे अगर आप कैसे काम करोगे तब मिलेगा, कितने फॉलोवर्स पे मिलेगा, अगर आपको भी लेना है तो आपको कौन से क्राइटेरिया को मैच करना पड़ेगा, इसके बेनिफिट्स क्या है एज ए क्रिएटर, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे पास अभी के अभी आप देख सकते हो 4 दिन पहले क्या लिखा है, कांग्रेट्स यू हैव बीन रिकॉग्नाइज एज ए राइजिंग क्रिएटर दिस वीक्स। वो कह रहा है कि आपके पेज को हमने राइजिंग क्रिएटर के तौर पे चुना है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह का इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे लिखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो मेरी कैटेगरी है और ये राइजिंग क्रिएटर इन्होंने बोला है। साथ ही साथ आप बोलो यहाँ पे सूर्य जो आपको दिखाता है सन, वो यहाँ पे इसका बैच मिला है। दिस बैच रिकॉग्नाइज यू पोस्टिंग कॉन्टेंट दिस ओरिजिनल रिसीव स्ट्रॉन्ग ऑडियंस एंगेजमेंट एंड मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये उन्हीं क्रिएटर्स को मिलता है या उन्हीं पेज को मिलता है जिसकी क्वालिटी कंटेंट होता है, ओरिजिनल कंटेंट होता है और साथ ही आपकी जो इंगेजमेंट है वो ज़्यादा रहती है, अच्छी रहती है, उसी को राइजिंग क्रिएटर मिलता है। और ये मेरे पेज को मिला है टैग इसरार को। कितने फॉलोवर्स है इस पेज पे सब कुछ आगे आपको बताऊंगा और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। उसके बाद है योर पेज मे नाउ बी सजेस्टेड टू पीपल एज ए क्रिएटर टू फॉलो। ये कह रहा है कि आपके जो भी फॉलोवर्स हैं उनको आप ये सजेस्ट करेगा, ठीक है, उन्हीं सभी लोगों को। अब यहां पे थर्ड ऑप्शन है, ये कहता है बैज इज रीएविलेटेड वीकली, इफ यू लॉस इट यू कैन अर्न इट अगेन द फॉलोइंग वीक्स। ये कह रहा है कि भाई अगर ये लॉस भी आपने कर लिया है तो इसको दोबारा भी आपको मिल सकता है, बट उसके लिए जो आपका कंटेंट है उसी पे काम करना पड़ेगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कंटेंट डाल रहा हूँ और मेरे को क्यों मिला है। उसके बाद ये लिखा है द बैच इज नाउ डिस्प्ले ऑन योर पेज विच योर पेज कैटेगरी। ये कह रहा है कि आपकी जो पेज कैटेगरी है उसी पे ये बैच आपको मिला हुआ है। चेंजिंग योर पेज कैटेगरी मे कॉज यू टू लॉस द पेज बैच फॉर द वीक। ये कह रहा है कि आप इस बैच को जो है वो लॉस कर सकते हैं अगर आप अपने पेज की कैटेगरी को चेंज करोगे। कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, बस आपको सिर्फ पोस्ट करनी है। अब जब इस तरह की वीडियो मैंने फेसबुक पे देखी राइजिंग क्रिएटर के तौर पे कि कैसे मिलता है, तो लोग बाग बोलते हैं कि आपकी वीडियो वायरल होनी चाहिए, आपकी वीडियो पे बहुत अच्छे फॉलोवर्स होने चाहिए, आपके वीडियो पे बहुत अच्छा कॉन्टेंट अपलोड होना चाहिए। तो मैं आपको साफ साफ बोलना चाहता हूँ, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस इसका मतलब सिर्फ ये है कि बस आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि हाँ भाई आप पेज पे काम करो और आप जो है ना राइजिंग क्रिएटर यहाँ पे बन गए हैं। बस इसका थोड़ा सा इंगेजमेंट बढ़ जाता है, आपकी वीडियो जो है ना सजेशन में जाने लगती है, तो इस तरह का यहाँ पे काम होता है। इसका बेनिफिट जो है ना है, बट इतना बेनिफिट नहीं है जिस तरह यूट्यूब पे जो है ना टिक मिल जाता है 1000 सब्सक्राइबर के द्वारा, या फिर आपकी वीडियो जो है ना लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुँच जाती है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा अपने पेज के बारे में। ये मेरा पेज है और मैं इसको ओपन करता हूँ तो जरा देखिए टैग इसरार पे कितने फॉलोवर्स हैं, 476 फॉलोवर्स है कुल। और अगर मैं वीडियो पे जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप अभी के लिए जाओगे तो अबाउट में ये आपको दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, पेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, राइजिंग क्रिएटर मेरे को बनाया गया और आप देख सकते हो कि सूर्य का निशान यहाँ पे है, सूर्य, ठीक है, आप देखिए ये है सूर्य। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो और इसमें कोई बेनिफिट्स आपको नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ पे अगर कोई बंदा लैंड करता है तो उसको दिखाई देता है। अब यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर वीडियो पे वीडियो के ऑप्शंस पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ कि कोई भी मेरी वीडियो ऐसी नहीं है जो वायरल हो रही है, बट हाँ 100, 150, 200, 300 व्यूज़ आ रहे हैं। तो फेसबुक को ये लगता है कि अगर यहाँ पे इसके 400 फॉलोवर के आसपास है और इस के वीडियो पे इस तरह से व्यूज़ आ रहा है तो इसका मतलब ये गुड क्वालिटी कंटेंट डाल रहा है और अच्छा काम कर रहा है, रेगुलर वीडियो डाल रहा है, तो इसी बेसिस पे मेरे को ये मिला है। अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि फेसबुक इसको नहीं देता, ठीक है, अब हमारे पास कोई अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ ओनली टू ओनली हमारे पास जो है ना मेहनत करने का होता है, ओरिजिनल कंटेंट डालने का होता है और इस कंटेंट को सजेशन में जो है ना यूट्यूब फेसबुक भेजता है और उसको लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ओरिजिनल बंदा कंटेंट डाल रहा है तभी ये यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी सारे लोगों को जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उनको भी जो है ना ये मिल जाता है और वो ये बोलेंगे कि भाई मैं तो कॉपी पेस्ट करता हूँ मेरे को मिलता है, तो इसका मतलब है फेसबुक की टीम को अभी तक ये लगता है जो आप काम कर रहे हो बेहतर कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी के साथ कर रहे हो, या फिर आप अभी तक पकड़े नहीं गए हो, या उसको जो भी लगता है ना तभी वो अच्छा देता है। पर इसका मतलब जरूर है, इसका बेनिफिट्स यहाँ पे ये है कि आपकी वीडियो वायरल हो सकती है, आपकी वीडियो जो है रीच ज़्यादा बढ़ गई है, आपकी वीडियो के जो इंप्रेशन है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, इससे क्या होगा कि फेसबुक पे जो है ना आपकी वीडियो
वायरल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगर हाँ ये बात करें कि भाई ये तो 2 लाख या 1 लाख या 50,000 फॉलोअर्स होना चाहिए उन्हीं को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर यह है कि अगर ये मिल जाता है तो अच्छी बात है। मेरे को जो है ना दूसरा एक पेज है मेरा, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ठीक है, मेरा पेज है टेक्निकल इसरार का, उस पर आज तक नहीं मिला, इस पर जो है ना मिल गया है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसी तरह से काम करूँगा, आप भी काम करिए, जिस तरह से मैंने अपने पेज पर काम करा है आप भी करिए, अच्छा कॉन्टेंट डालिए, हो सकता है आपको भी भाई राइजिंग क्रिएटर मिल जाए और आपको भी इसको जो है ना एंगेजमेंट बढ़ जाए और आपको भी यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए ज़्यादा बड़ा इसका कोई रोल नहीं है, ज़्यादा बड़ी इसकी कोई बात नहीं है, बट यह है कि एक अच्छा लगता है, फील होता है आपको, यूट्यूब जो है ना ये बोलता है भाई काम करिए आप राइजिंग क्रिएटर में आ गए हैं, ठीक है। ये बैच जो है ना 8 दिन तक रहता है, 8 दिन के बाद ये जो है चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिक हट जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वीकली के लिए मेरे को बनाया गया। अगर किसी को महीने के लिए बनाया गया हो तो भाई उसकी तो बात अलग ही है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप समझ गए होंगे क्या होता है राइजिंग, फेसबुक राइजिंग क्रिएटर, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि हम इस चैनल पर इस टाइम जो है ना फेसबुक की वीडियो भी अपलोड करते हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।